गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर टू और जिसमें क्या बोला है बच्चों फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली मतलब आपको क्या बोला है कि जो दो नंबर आपको दिए हैं जैसे फर्स्ट है वन अपॉन फोर और सेकेंड है माइनस वन तो ये जो दो नंबर आपको दिए हैं ये फर्स्ट वाला क्या है ये सम ऑफ जीरोज है और सेकेंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्वेश्चन में बोला है कि जैसे एज इट इज जो वैल्यू दी है आपने वैसे ही यूज़ करनी है पहली वैल्यू सम है दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट है ओके सो अब हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलनामियल क्वाड्रेटिक पोलिनियल में सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया है उसको लिख लेते हैं हमारे पास दिया है सम ऑफ जीरोस ओके सम ऑफ जीरोस दिए बच्चों हमारे पास वन अपॉन फोर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और जो प्रोडक्ट है जीरोस का वो दिया है माइनस वन अब इससे हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पोलोमियल सो सबसे पहले तो आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे बनाएंगे तो क्वाड्रटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला है वो होता है बच्चों एक्स स्क्वेर माइनस सम ऑफ जीरोस। आपको फार्मूला आना चाहिए मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या फॉर्मूला है बचो एक्स स्क् माइनस और माइनस लगता है सम के बाहर सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ओके मतलब देखो एक्स स्क् क्या दिया हमारे पास माइनस का साइन है बीच में और प्रोडक्ट है सम uh, है बच्चों हमारे पास वन अपॉन फोर इन एक्स और प्लस क्योंकि प्लस का साइन है फॉर्मूले में और हमें दिया है माइनस वन तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे एक्स स्क् माइनस वन अपॉन फोर एक्स प्लस माइनस माइनस वन अब बच्चों क्योंकि हमारे पास जो सम है वो फ्रैक्शन में है तो इसलिए जो फ्रैक्शन वाला जो डिनोमिनेटर है आपका उस वाले नंबर से हम क्या कर लेंगे जो पॉलनोमियर बना है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ओके तो इस तरह से एक्स स्क् माइनस वन अपॉन फोर एक्स माइनस वन तो देखो अब क्या आंसर बन जाएगा फोर से जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर को तो आ गया फोर एक्स स्क् और फोर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर से फोर कट जाएगा हमारे पास सिर्फ बच जाएगा माइनस वन एक्स और प्लस माइनस माइनस फोर वन सा फोर ये आ आप गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो समझ आ गया आपको बच्चों फॉर्मूला है एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ओके okay, और वैल्यू रिप्लेस करनी है आपने जो जो आपको गिवन है बस ध्यान देना सम में माइनस का साइन होता है प्रोडक्ट में प्लस का होता है वैल्यू रिप्लेस करने के बाद अगर आपके ज़ीरोज या जो प्रोडक्ट है या साम है दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन में है तो आपको जो डिनोमिनेटर है जो फ्रैक्शन वाला उसको कॉमन करके पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेना है और आपके पास सिंपली इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलोमियल आ जाएगा ओके okay. अब है बच्चों सेकंड क्वेश्चन और सेकंड इसका सेकंड पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट अभी किया हमने इसका सेकंड पार्ट है अब जीरो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और सम ऑफ जीरोज है वो दिया है तो पहला है सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज है हमारे पास अंडर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है बच्चों वन अपॉन थ्री ओके तो अब हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक पोलॉमियल सो क्वाड्रेटिक पोलोमियल का फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिखना है टिक पॉलिनोमियल ओके क्या फॉर्मूला बताया मैंने एक्सक्र माइनस सम ऑफ जीरो आपने पहले फॉर्मूला लिखना है उसके बाद वैल्यूज रिप्लेस करनी है इन टू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ओके तो बनाते हैं वैल्यू एक्सक्र माइनस सम ऑफ जीरोज हमारे पास है अंडर उड टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर एक्स हो जाएगा बच्चों और प्लस प्रोडक्ट आपके पास दिया है वन अपॉन थ्री और पॉजिटिव दिया है अब देखो फिर फ्रैक्शन में है हमारे पास प्रोडक्ट फ्रैक्शन में है इसलिए इसका डिनोमीटर क्या है थ्री तो इक्वेजन को थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे ओके और हमारे पास पोलोमियल क्या बन जाएगा हमारे पास पोलोमियल थ्री से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्र ओके और थ्री से अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री अंडर रूट टू एक्स और प्लस वन क्योंकि थ्री का थ्री कट जाएगा ओके तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया थ्री एक्स स्क्र माइनस थ्री अंडर रूट टू एक्स और प्लस वन यही हमें बनाना था सो आई होप आपको ये दो पार्ट समझ आ गए होंगे बच्चों अगर समझ आ गए हैं फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न करना है वैल्यू को सही तरीके से रिप्लेस करना है और इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सो so, वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ थैंक यू